जर्मन शेफर्ड इंडिया की वन ऑफ दी मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड है। आज के इस वीडियो में आप इसी डॉग ब्रीड के प्राइस के बारे में जानेंगे कि कितना है और इसे अपने घर में रखने में महीने में कितना खर्चा आ जाता है इसके बारे में जानेंगे। मेरे चैनल पे एक वीडियो है जिसका टाइटल है विच डॉग ब्रीड इज राइट फॉर मी, तो अगर आप कन्फ्यूज है कि कौन सी डॉग ब्रीड आपके लिए सही है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो इसके बाद। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जर्मन शेफर्ड के कुछ बेसिक्स के बारे में। जर्मन शेफर्ड एक लार्ज साइज डॉग ब्रीड है जिसकी एवरेज हाइट 55 से 65 सेंटीमीटर और वेट 30 से 40 केजीज के बीच में होता है। बहुत सारे लोग जर्मन शेफर्ड इसलिए लेना चाहते हैं ताकि वो उनके घर को गार्ड करें। ये ब्रीड ये काम करने के लिए एकदम केपेबल है, लेकिन आपका उस डॉग के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए क्योंकि आप नहीं चाहते कि हमेशा वो अपने उसी गार्डिंग जोन में रहे। जर्मन शेफर्ड को अपने घर में अकेले रहना या फिर एक पर्टिकुलर स्पॉट से बंधे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वेली किसी भी डॉग को पसंद नहीं होता, तो मेक श्योर आप ऐसा काम ना करें। जर्मन शेफर्ड अपनी फैमिली की तरफ काफी ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। ये एक ऐसी ब्रीड है जिसके साथ अगर आप अपने बच्चों को छोड़ देते हो तो वो हमेशा सेफ रहेंगे। इस ब्रीड को आप अपने घर के अंदर रख सकते हो अपने साथ और अपनी फैमिली के साथ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि ये किसी बड़ी जगह पे भी जा सके, जैसे कि एक टेरेस, गार्डन या बैकयार्ड। छोटे घरों के लिए ब्रीड नहीं बनी है। जैसे कि एक लैब्राडोर या एक गोल्डन रिट्रीवर को बहुत ज्यादा पसंद होता है नए नए लोगों से मिलना, वेल जर्मन शेफर्ड उन ब्रीड्स में से नहीं है। अगर आप इन्हें प्रॉपर सोशलाइज करेंगे तो ये वैसा बन सकते हैं, लेकिन इनकी पहली और आखिरी प्रायोरिटी अपनी ही फैमिली होती है। ये अपने ओनर की तरफ काफी ज्यादा लॉयल और प्रोटेक्टिव होते हैं और ये आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे किसी और ह्यूमन के लिए। मुझे पर्सनली जो बेस्ट बात लगती है इस डॉग ब्रीड की वो है इसकी वर्किंग कैपेबिलिटीज। ये ब्रीड इस दुनिया में कोई भी काम कर सकती है, चाहे वो एक ट्रेंड एक्टर हो हॉलीवुड में या फिर इसे मिलिट्री को सर्व करना है जहाँ पे इसे इलीगल चीजों का पता लगाना पड़ता है, जैसे कि ड्रग्स वगैरह, या फिर इन्हें क्रिमिनल्स को पकड़ना है। एक अच्छा ट्रेनर या एक अच्छा ओनर इस ब्रीड से कुछ भी करवा सकता है, जो भी वो चाहता है। अपनी फेवरेट डॉग ब्रीड जर्मन शेफर्ड का प्राइस जानने से पहले 2 सेकंड निकाल के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास एक डॉग अभी नहीं है, लेकिन मेरे पास एक प्लेलिस्ट है जो आपको गाइड करेगी स्टेप बाय स्टेप एक डॉग लेने के लिए, कि आप तैयार हैं कि नहीं, आपका घर तैयार है कि नहीं, कौन सी ब्रीड लेनी है आपने। तो ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जर्मन शेफर्ड का प्राइस डिपेंड करता है कि आप उसे कहां से और किससे ले रहे हैं। अगर आप इंडिया में किसी लोकल पेट शॉप से ले रहे हैं तो जर्मन शेफर्ड का प्राइस स्टार्ट होगा 15,000 रुपीज से और वो जा सकता है 40,000 रुपीज तक। लेकिन अगर आप किसी ब्रीडर से ले रहे हैं तो जर्मन शेफर्ड का प्राइस स्टार्ट होगा 40,000 रुपीज से और वो जा सकता है 80,000 रुपीज तक, डिपेंडिंग अपॉन कि वो ब्रीडर कितना रेप्यूटेड है, किस तरह की क्वालिटी वो आपको दे रहा है और किस जगह पे वो ब्रीडर सिचुएटेड है। अगर आपको जानना है कि इन जनरल आपको डॉग कहाँ से लेना चाहिए तो आप इस वीडियो को देख सकते हो जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। जर्मन शेफर्ड को अपने घर में रखने में कितना खर्चा आ जाता है महीने का, ये बताने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी बात बताना चाहता हूँ इस ब्रीड की। जर्मन शेफर्ड सेकंड मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है। मस्कुलर स्ट्रेंथ के साथ साथ इस ब्रीड के पास एक मैसिव बाइट फोर्स है ऑफ 238 PSI। तो अगर इस ब्रीड को कोई इररिस्पॉन्सिबल डॉग ओनर लेता है तो ये ब्रीड बहुत ही ज़्यादा आसानी से मिसबिहेव करना शुरू कर सकती है, अग्रेसिव हो सकती है, क्योंकि वो ना ही उसे वॉक करवाएगा, ना सोशलाइज करवाएगा और ना ही लीडरशिप एस्टेब्लिश करेगा अपने और अपने डॉग के बीच में। वेली लॉजिक हर एक डॉग पे अप्लाई होता है, लेकिन जर्मन शेफर्ड जो कि एक पावरफुल वर्किंग डॉग है, आपको भी थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा इसे ठीक से रखने में। प्रॉपर इसे एक्सरसाइज करवानी है, अच्छा डिसिप्लिन क्रिएट करना है और इसे काम करने देना है ताकि ये अफेक्शन ले सके। जब हम मंथली एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो मेन खर्चा जो आपको आएगा एक जर्मन शेफर्ड जैसी लार्ज साइज डॉग ब्रीड रखने में, वो होगा खाने का खर्चा। अगर आप इसे स्टैंडर्ड क्वालिटी डॉग फूड देते हैं तो आपको महीने में 3,000 रुपए का खर्चा आएगा, और अगर आप इसे प्रीमियम क्वालिटी डॉग फूड देते हैं तो आपको लगभग 5,000 रुपए का पर मंथ खर्चा आएगा। वैक्सीनेशन की कॉस्ट पपीज के लिए थोड़ी सी ज्यादा रहती है क्योंकि उन्हें फ्रीक्वेंट वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ती है। ऑन एवरेज अगर देखें तो 800 से 1500 का पर मंथ खर्चा आएगा सिर्फ वैक्सीनेशन का। बहुत सारे ओनर्स ये इश्यू फेस करते हैं कि उनका जर्मन शेफर्ड वेट गेन नहीं कर रहा या बहुत ही वीक है। वेल, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पे आपको इसे प्रॉपरली और एक रूटीन में डिवॉर्म करना होगा। डिवॉर्मिंग की मेडिसिन कोई ज्यादा महंगी नहीं होती, तो आप 100 रुपीज पर शेड्यूल खर्च सकते हैं। क्या आपको पता है कि जर्मन शेफर्ड का दूसरा नाम जर्मन शेडर है? ये इसलिए यार क्योंकि ये ब्रीड मैसिवली शेड करती है। तो आप 1000 से 1500 रुपीज पर मंथ खर्च सकते हैं सिर्फ ग्रूमिंग में, जो इंक्लूड करेगा शैम्पूज, ब्रशेस, नेल क्लिपर्स या ऐसी ऐसी चीजें। ऑन एवरेज अगर मंथली एक्सपेंसेस की बात करें एक जर्मन शेफर्ड को अपने घरों में रखने का, तो वो होगा 5,000 रुपीज अगर आप स्टैंडर्ड क्वालिटी डॉग फूड देते हैं, और अगर प्रीमियम क्वालिटी डॉग फूड देते हैं तो वो होगा 7,000 रुपीज। लीश, कॉलर, बोल्स, टॉयज, क्लोथ्स,
ये सब ऐसी चीजें हैं जो आप हर महीने नहीं लेते, तो मैंने इसका प्राइस यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। अगर आपको वो सब चीजें अमेज़न से लेनी है जो आपके नए जर्मन शेफर्ड पपी को चाहिए होंगी, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। और इस वीडियो में मैंने प्रॉपरली बताया है कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, और उसमें से बेस्ट प्रोडक्ट के लिंक मैंने उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। यहाँ पे एक बड़ी वन टाइम कॉस्ट भी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जर्मन शेफर्ड आगे जाके बच्चे पैदा ना करे या इन जर्नल हीट पे ना आए, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, तो आप स्पे न्यूटर की सर्जरी करवाते हो। इस सर्जरी की कॉस्ट स्टार्ट होती है 4000 रुपीज़ से और जा सकती है 12000 रुपीज़ तक, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस जगह पे रह रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको जानना है कि कौन सी डॉग ब्रीड आपके लिए सही है, तो स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रही है उस पर क्लिक कर दो।